दवा है और जिसका नाम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जिसका नाम है ये गोंद कतीर, ये गोंद कतीर है। और इसका उपयोग किस काम में किया जाता है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, इसका उपयोग कैसे करते हैं। देखिए मैंने देखा है अक्सर कर स्त्रियों के हार्मोन्स अधिक बढ़ जाने के कारण मासिक महीना जो टाइम पर आना चाहिए तो एक महीने में दो दो बार मेना पीरियड शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों को परेशानी होने लगती है। तो कभी महीने में चार दिन ज़्यादा हो गए, कभी चार दिन कम हो गए, तो महीना समय से नहीं आता है, यानी टाइम टू टाइम आना चाहिए, वो महीना समय से नहीं आता है। ऐसी स्थिति में जो मैं आपको दवा बता रहा हूँ यही दवा उपयोग करनी चाहिए। और इसका उपयोग कैसे होता है, इसको शाम को लगभग 10 ग्राम पानी में भगो करके रखना है, और पानी में भगो करके रखने के बाद सुबह इसको खाली पेट सूती कपड़े से छान करके एक गिलास पानी के लगभग इसको पी लेना चाहिए स्त्रियों को, जिससे महीना बार बार नहीं आए और महीना टाइम से ही एक्यूरेट आए। और इसमें एक बात और है, इसमें एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़ करके अवश्य डाल लें, जिससे पूर्ण रूप से दवा कारगर हो जाए आप लोगों के लिए, और 100% सही दवा है आप स्त्रियों के लिए। ये देखिए ये दवा है और मैं इसको दिखाने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये जो है ये लजवंती है, और लजवंती के बीज कह करके भी ये बोला जाता है, और ये पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाती है। और ये किस कार्य में आती है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए किसी स्त्री का महीना नहीं रुकता है और बार बार ऐसा देखा गया है, एक महीना ओवर होने से डेढ़ महीना या दो महीना या तीन महीने ये पिंडी खंडित हो जाती है, और महीना यदि नहीं रुकता है किसी स्त्री का, तो मैं ये दवा आपके लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो ये दवा 100% गारंटी की है और इससे स्त्रियों को लाभ मिलेगा और महीना खंडित होगा ही नहीं। और अधिकतर ये भी है कि किसी स्त्री को यदि ब्लड भी आता है तेजी से, तो ब्लड में भी ये बहुमूल्य उपयोगी सिद्ध होती है, और ये दूध के साथ खाई जाती है, ब्लड कटने पर ये दूध के साथ खाई जाती है। और इसका उपयोग कैसे है, इस दवा को बारीक पीस करके, और हाथ भीगे ना हो और जिस बटना से बटते हैं वो भी भीगा ना हो, सूखा हो, तो बारीक पीस करके बिल्कुल चूरन जैसी जब ये बन जाती है, तो इसको खाना खाने के बाद सुबह को कच्चे दूध के साथ लगभग 1 ग्राम लेना चाहिए, और धीरे धीरे ये ब्लड कटना भी रोक देती है, और महीना आने पर भी, महीना कंट्रोल होने पर भी इसी प्रकार खाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।